दोस्तों, आप अपने पेट से तो बहुत प्यार करते होंगे, बट क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने पपी को एक रॉयल तरीके से रखना पसंद करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे आलीशान होटलों के बारे में जो डॉग्स के लिए बहुत ही रईस वाली फीलिंग देते हैं। एंड वो सब करते हैं जिससे कि आपके पपी को लगेगा कि वो कहीं का महाराज है, जिससे उनको एक स्पेशल बेल दी, जैसे कि उनको एक स्पेशल बेल दी जाएगी जिसके जिससे कि होटल का एक स्टाफ 24 घंटे जैसे ही वो बेल बजे वैसे ही शानदार ट्रीट लेकर आए, या फिर आपके पपी के लिए भी रिलैक्स कर देने वाली मसाज और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो में हम आगे देखते हैं। सबसे पहला होटल है द मार्क होटल न्यूयॉर्क। मैनहट्टन शहर का ये काफी प्रसिद्ध होटल है जहां पर ये डॉग्स के लिए एक स्पेशल मेन्यू देते हैं जिसका नाम है स्पॉइल डॉग्स मेन्यू, जिसे वहां के जो एक शेफ है जॉर्जिस करके उन्होंने बनवाया था। और न्यूयॉर्क का बहुत ही प्रसिद्ध जो पार्क है जिसे सेंट्रल पार्क कहा जाता है, वो ये होटल के बहुत ही करीब है, जो कि किसी भी पप्पी के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। और ये डॉग्स के लिए भी स्पेशल इन रूम डाइनिंग सर्विस देते हैं। यहाँ पर आपको आपके पपी के शानो शौकत के लिए बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि इनका मेन्यू जहाँ पर बहुत सारे वैरायटी के ऑप्शंस है, और साथ ही साथ डॉग्स के लिए दिया जाने वाला बहुत ही सॉफ्ट सा बेड भी। इतना ही नहीं, ये हर डॉग के लिए बहुत ही आलीशान तरीके की एक्सेसरीज भी देते हैं, जैसे एक लेदर का बैग जिसमें होता है लीश, वेस्ट बैग और पानी की बोतल। दूसरा, द लिबर्टी होटल बॉस्टन मैसाचुसेट्स। ये होटल बॉस्टन का बहुत ही पुराना होटल है जो सन 1851 में बनाया गया था। पहले तो यहाँ पर पेट्स को आने नहीं देते थे, पर कुछ वक्त पहले ही $100, जिसका अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 8,000 रुपये होता है आज के टाइम पर, ज़्यादा देकर आप कोई भी दो पेट को अपने साथ ला सकते हैं। आपके पेट को यहाँ पर आते ही बहुत सारी ट्रीट्स, खाने का अच्छा सा बाउल और ऐसे कई आलीशान चीज़ें मिलेंगी। पर इस होटल की खास बात है इनका यैपियर आवर्स, जो कि काफ़ी हद तक हैप्पी आवर्स जैसा होता है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें कराई जाती हैं जो आपके पपी के मन को भा जाएंगी। तीसरा है रोजवुड वॉशिंगटन डीसी। अगर आप कभी अपने पपी के साथ वॉशिंगटन डीसी घूमने जाए तो वहाँ का ये पेट फ्रेंडली होटल ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आप दो पेट्स को लेकर जा सकते हैं, पर उनका वजन 50 पाउंड, यानी जिनका वजन 20 किलो से कम होना चाहिए। इस होटल में भी आपके पपी को रईस वाली फील आएगी, जहाँ उन्हें उनका एक सॉफ्ट सा बेड, बहुत सारी ट्रीट्स, बाहर घूमने के लिए नौकर और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर भी आपको $100 की फीस देनी होती है इन चीज़ों के लिए। फोर्थ, ले बार्थल में सेंट बार्थ। सेंट बार्थ दोस्तों एक आइलैंड है कैरेबियन सी के ईस्ट साइड पर। ये वैसे तो US ट्रैवलर्स की पसंदीदा जगह होती है, पर और भी लोग का यहाँ आना जाना लगा होता है। यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध होटल जिसका नाम है ले बार्थलम, बहुत ही आलीशान होटलों में से है, जो कि आपके साथ आपके प्यारे पेट को भी एक प्राइवेट स्पेस का मज़ा लेने देते हैं। कैरेबियन का समुद्र ही इतना सुंदर है कि किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, पर फिर भी इस होटल में आपको अपने पपी के साथ एक प्राइवेट पूल मिलेगा, जिससे बाहर निकलते ही आप सीधे एक बीच पर पहुंचेंगे जहां पर डॉग्स के लिए पहले से ही चेयर्स को रिजर्व करके रखा जाता है। इतना ही नहीं, होटल की तरफ से आपके पपी के लिए एक नौकर भी मिलेगा जो आपके पपी को वॉक करवाएगा, और तो और डॉग्स के लिए स्पेशल फ्रेश फिश पकड़ के लाई जाती है समुद्र से। आपको डॉग्स को सर्फिंग कराने के लिए भी स्पेशल बोर्ड्स मिलेंगे और एक बहुत ही कंफर्टेबल सा सॉफ्ट बेड। ये जब आपके पपी के लिए किसी पपी पैराडाइज से कम नहीं होगा। फिफ्थ है द रिटन हाउस पेंसिल्वेनिया। ये होटल फिलाडेल्फिया के काफ़ी मशहूर जगह रिटन हाउस स्क्वायर पर है, जो कि अपने आप में लग्जरी है। यहाँ पर आपके पपी को किसी VIP से कम ट्रीट नहीं किया जाएगा। आपके पपी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्पेशल बाउल और भी बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। यहाँ के शेफ आपके पपी के लिए स्पेशल बोन एपेटाइट मेन्यू से जब तक वो वहाँ है तब तक उनके लिए अलग अलग प्रकार का खाना बनाएंगे। और यहाँ भी आप अपने पपी के लिए एक नौकर रख सकते हैं
जो उन्हें आसपास घुमा कर लाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो और भी डॉग मम्स एंड डैड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने पपी को और अच्छे से जान पाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।